आज हम देखेंगे बेस्ट रिटच टेक्निक फॉर वेडिंग फोटोग्राफ एंड मॉडलिंग फोटोग्राफ, जिसमें ज्वेलरी भी आप रिटच कर सकते हैं फाइनली, तो आप बाकी के भी कोई भी फोटोज को वो अप्लाई कर सकते हैं एक बार रिटच होने के बाद। तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकॉन फॉर मोर ट्यूटोरियल्स। ग्राफिक टीचर, ये फोटो लिया है, आप इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो सबसे पहले इसको डुप्लीकेट कर लेता हूँ और उसके बाद कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट फॉर बेटर ऑप्शंस लेटर ऑन। फिल्टर में जाके रॉ कैमरा रॉ फिल्टर, एंड इसमें हम लोग स्किन को सॉफ्टनिंग करेंगे, तो इसका बेस्ट टेक्निक है एडजस्टमेंट ब्रश, क्लिक कर दिया है। एंड ये सारे सेटिंग्स पहले आपको रीसेट कर लेते हैं, रीसेट लोकल सेटिंग्स, और सबसे पहले टेक्सचर -75 और क्लैरिटी -75 करके जो स्मूथ स्किन है उसका इफेक्ट आ जाएगा। तो जहाँ पर भी आप फर्स्ट क्लिक करते हैं वहाँ पर ऐसा रेड पिन बन जाता है, जो आपको इस ब्रश से जितने भी इस सेटिंग के साथ जितने भी आप ड्रॉ करेंगे वो उस सेटिंग का वो एक पिन तैयार होगा, तो आप इससे पूरा क्लिक करके स्मूथ कर सकते हैं पूरा फेस जहाँ पर भी लगता है। थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करके मैं टचअप कर लेता हूँ। ऐसे करके जहाँ पर भी एजेस छोड़ के, शार्प लाइंस छोड़ के, जहाँ पर भी स्मूथनेस चाहिए मैं वहाँ पर टचअप कर रहा हूँ, ब्रश को प्रॉपरली स्मूथली घुमा रहा हूँ ताकि सारा स्किन स्मूथ हो जाए। तो थोड़ा सा आप देख सकते हैं फास्ट फॉरवर्ड करके मैं पूरा, ताकि बोरिंग ना हो, ये हो गया। और इसी को जैसे कि रेड पिन सिलेक्टेड है तो उसी को आप थोड़ा सा ब्राइटनेस जैसे कॉन्ट्रास्ट बढ़ा सकते हैं, क्लिक करके आप देख सकते हैं कि कौन सा सेक्शन है, एक्सपोजर थोड़ा बढ़ा दीजिए जैसे आपको चाहिए, थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट कम ज़्यादा, हाईलाइट माइनस, शैडो को थोड़ा प्लस, एंड मैं एक ब्रश पिन ऐड कर लेता हूँ फॉर ज्वेलरीज। पहले रीसेट कर लेता हूँ पुराना वाला, एंड टेक्सचर 65+63+62, तो इससे मैं सबसे पहले जहाँ पर भी ज्वेलरीज हैं उन्हें ब्रश करके शार्पन कर लेता हूँ। देखिए आप चेक कर सकते हैं जो ज्वेलरी है वो स्टैंड आउट हो रहा है, क्योंकि मैंने जो उसका जो टेक्सचर एंड क्लैरिटी है उसी को सिर्फ 63 और 62 प्लस कर दिया है। और जहाँ पर भी आपको ज्वेलरी लगता है वो आप ज्वेलरी घुमा सकते हैं, जैसे मैं ये घुमाते जा रहा हूँ, मैं रफली घुमा रहा हूँ, आप लाइक आराम से करिए डिटेलिंग के साथ। तो ये हो गया ज्वेलरी का पूरा पिन। तो ये जो रेड पिन है वो सिलेक्टेड है, तो आप इसके अंदर और भी थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट ब्राइटनेस वगैरह आप और ऐड कर सकते हैं आफ्टर ब्रशिंग। तो इसका मैं चेक करके देख रहा हूँ कितना आप दे सकते हैं। तो ये हो गया ज्वेलरी का, और ये हो गया अपना ब्रश, और थर्ड वाला देता हूँ मैं एक नया। ओके कर लेते हैं पहले, आप देख सकते हैं काफ़ी स्मूथ हो गया है, लेकिन उसकी जो आइज़ है वो काफ़ी डल लग रही है, तो मैं डबल क्लिक कर देता हूँ। तो आपके दोनों ब्रश सिलेक्ट करते ही आपके जो पहले के दो पिन हैं वो आपको नज़र आएंगे, बट मुझे थर्ड पिन क्रिएट करना है आइज़ के लिए, थर्ड प्लीज प्लस कर दीजिए।
और ये बाकी के सारे सेटिंग्स में नहीं चाहिए, तो आप थोड़े से उसे कम कर सकते हैं। और लेकिन शार्पनेस चाहिए तो मुझे प्लस में ही रखना पड़ेगा, प्लस 50 एंड 60। अब जहाँ पर भी आप फर्स्ट क्लिक करते हैं वहाँ पर आपका पिन बन जाता है, तो वो दिखाता है कि यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट है। तो जैसे इस तरह से आप थोड़ा सा, अब ये फोर्थ नोज की तरफ भी मैं देख रहा था थोड़ा से माइनस करके शार्पनेस देके, तो उसी ब्रश के साथ आप सेटिंग्स कम ज़्यादा कर करके भी ब्रश कर सकते हैं। अभी थोड़ा सा मैंने नोज़ पे हाईलाइट कर दिया है, नोज़ की तरफ वगैरह। और अगर मुझे ये हाइलाइट्स नहीं चाहिए तो मैं उसे इरेज भी कर सकता हूँ। जैसे आप सारे पिन पे क्लिक करके चेक कर सकते हैं उनके जो सेटिंग्स हैं, और वो लार्ज ब्रश सेटिंग पे उसके साथ ब्रश होगा, उसके लास्ट ब्रश सेटिंग दिखाएंगे। जैसे अभी मैं फिर से गया हूँ, जैसे कि मैं ये जैसे क्लिक करके देख रहा हूँ तो मुझे नोज़ पे काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट, मुझे थोड़ा सा ब्राइटनेस देना है, लेकिन ब्राइट एक्सपोजर बढ़ाने की वजह से नोज़ की तरफ का जो हाईलाइट एरिया है वो भी बढ़ रहा है, काफ़ी उधर ब्रशिंग किया था। तो अगर वो मुझे माइनस करना है तो सिंपली इरेजर टूल लेके उसको माइनस कर सकते हैं। तो इस तरह से आप कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट का एडवांटेज एक ही है कि आप कभी भी आप उस पर जाके आपके जो सेटिंग्स हैं वो चेंज कर सकते हैं, और उसी चीज़ को आप दूसरे फ़ोटो पर भी अप्लाई कर सकते हैं। मतलब इस फ़ोटो के अंदर मैं दूसरे कोई भी ऑप्शंस सेटिंग्स किसी भी दूसरे फ़ोटो पे अप्लाई कर सकता हूँ। तो इस तरह से आप कोई भी फ़ोटोज़ लाइक वेडिंग किसी की फ़ोटोग्राफ्स है, ज्वेलरी से भरी हुई फ़ोटोग्राफ्स है, या फिर किसी का जो ओल्ड एज फ़ोटो है, रिंकल्स निकालनी है, तो ऐसे आप स्मूथ कर सकते हैं। और बेस्ट तरीका है, सबसे बेस्ट रिटच एंड फास्ट तरीका। थैंक यू। Graphic teacher.